दोस्तों नमस्कार। आज एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हैं। आज की क्लास है हमारी सर्क्लिप्स। सर्क्लिप्स क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, सर्क्लिप्स आर फास्टनिंग डिवाइसेस। ये एक प्रकार के फास्टनिंग डिवाइसेस हैं, यानी कि युक्तियां हैं, यूज टू प्रोवाइड सोल्जर्स फॉर पोजिशनिंग ऑफ लिमिटिंग द मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्ट्स इन एन असेंबली। मान लिया कोई असेंबली ड्रॉइंग्स है, तो असेंबली है मशीन या मशीन पास की हुई असेंबली है, तो उसके अंदर जो मशीन के जो पार्ट्स हैं उनकी मूवमेंट या पोजीशनिंग को उसके लिए सोल्डर्स का काम करता है पोजीशनिंग में, उसके में असेंबली ड्रॉइंग के अंदर। सर्क्लिप्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिटेनिंग रिंग्स। इनको हम रिटेनिंग रिंग्स भी बोलते हैं। IS 3075। देखो ये बात जरूर ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूं, IS से एक क्वेश्चन 100% आता है और वो टॉपिक के हिसाब से आता है। तो अभी हम सर्क्लिप्स की बात करें तो सर्क्लिप्स से पूछ सकता है, उससे पहले हमने नट बोल्ट की बात करी तो उससे पूछ सकता है, कीज की बात करी कीज से भी पूछ सकता है। तो ये IS सारे स्टैंडर्ड पता होने चाहिए, कौन सा IS स्टैंडर्ड किस चीज के लिए है। The rings are generally made of material. ये किस material के बने हुए होते हैं? Having good spring properties, जिसके अंदर अच्छी quality की spring properties हो, so that the fastener may be deformed elastically to a considerable degree and still spring back to its original shape. यानी कि उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिस तरह से हमने एक रबर बैंड को देखा होगा, हम रबर बैंड को खींचते हैं और खींचने के बाद हम छोड़ते हैं तो वापस उसी स्थिति में आ जाती है। तो सेम यही सर्क्लिप्स के साथ है, इस प्रकार की गुड क्वालिटी की स्प्रिंग होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि सो दैट द फास्टनर मे बी डिफॉर्म्ड इलास्टिकली टू ए कंसिडरेबल डिग्री एंड स्टिल स्प्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। यानी कि एक बार अगर हम खींच करके उसको छोड़ दिया जाए तो वापस वो अपनी उसी स्थिति में आ जाए। This permits the circlips to spring back into a groove or other recesses in a part, or they may be seated on a part in a deformed condition so that they grip the parts by functioning means. तो उसके बाद फिर क्या होता है, जब सर्कलिप्स को खींच के डालते हैं तो जो वहां पर रेसेसिस या कैविटी या जो गड्ढे कटे हुए होते हैं उसके अंदर ये जो सर्कलिप्स होते हैं अपनी जगह बना लेते हैं, मजबूत जगह पकड़ लेते हैं और पार्ट्स को जो है वो हिलने डुलने नहीं देते हैं। सर्क्लिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम स्प्रिंग स्टील। ये स्प्रिंग स्टील के बनाए जाते हैं विद हाई टेंसाइल एंड यील्ड स्ट्रेंथ, जिसकी टेंसाइल और यील्ड स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा होती है। अब बात करते हैं इनकी टाइप्स की। दे आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। इंटरनल सर्क्लिप्स, इंटरनल सर्क्लिप्स कौन से होते हैं ये फिगर देख लीजिए। फिगर तो देखने में दोनों जैसे लगते हैं, ये फिगर है इसका इंटरनल सर्क्लिप्स का। This type of ring are assembled in holes. इनको हम होल्स में लगाने के लिए, बोर्स में लगाने के लिए और हाउसिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंटरनल सर्क्लिप्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो ये तीनों याद रखने हैं, या ये दे देगा और नाम आ जाएगा इंटरनल सर्क्लिप्स। तो एक क्वेश्चन एक नंबर का यहाँ से आ जाता है। नेक्स्ट है सर्क्लिप्स फॉर बोर्स। बोर्स के लिए जो सर्क्लिप्स होते हैं, दीज अवेलेबल फॉर बोर्स ऑफ, ये बोर्ड्स के लिए अवेलेबल होते हैं और वही IS 3075 पार्ट सेकंड, ये इसका BIS कोड हो गया। नॉमिनल डायमीटर, दिस अवेलेबल फॉर बोर्ड्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर रेंज 8 to 300 mm से लेकर के 30 mm बोर्ड डायर तक के इन नॉर्मल टाइप में ये बनाए जाते हैं, 22 to 2200 mm इन हैवी टाइप। हैवी टाइप में ये होते हैं 2200 और नॉर्मल टाइप में होते हैं ये 8 to 300। दीज आर मेड फ्रॉम स्प्रिंग स्टील ऑफ ग्रेड 70C6 और 75C6। ये इस ग्रेड की स्टील के बने होते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये होता है इसकी स्प्रिंग की जो स्टील होती है उसका ग्रेड कौन सा होता है, तो 70C6 और 75C6। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरनल की, सॉरी ये इंटरनल तो ये एक्सटर्नल। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल सर्क्लिप्स की। दिस टाइप ऑफ सर्क्लिप्स आर इंस्टॉल्ड ऑन शाफ्ट
ये कहाँ लगते हैं? शाफ्ट के ऊपर लगते हैं तो, या पिंस, या स्टड एंड सिमिलर पार्ट्स, इसके जैसे सिमिलर पार्ट्स के साथ इनका इस्तेमाल किया जाता है। सर क्लिप्स फॉर शाफ्ट, सर क्लिप्स फॉर शाफ्ट, नॉर्मल टाइप, जो नॉर्मल टाइप होंगे एन लिखेंगे, एंड हैवी टाइप जो होंगे उसमें एच लिखा जाएगा। दीज आर अवेलेबल फॉर शाफ्ट्स डायर 3 mm to 300 mm। जिस आपका डाया 3 mm से लेकर के 300 mm तक का होगा, तो वहां पर इस प्रकार के वो एन टाइप और एच टाइप के सर्कल्स हम इस्तेमाल करते हैं। अब हैवी टाइप, दीज आर सूटेबल फॉर शाफ्ट डाया 15 mm to 100 mm। जिस शाफ्ट का डाया 15 mm से लेकर के 100 mm तक होता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त होते हैं ये। बोथ टाइप ऑफर ए नंबर ऑफ एडवांटेजेस ओवर अदर फास्टनिंग मेथड्स, इनकी दूसरे फास्टनिंग मेथड्स पर बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, फायदे हैं, वो क्या हैं? देयर कॉस्ट इज रिलेटिवली लो, इनकी जो कॉस्ट होती है बहुत कम होती है व्हेन कंपेयर्ड विद अदर टाइप्स ऑफ फास्टनर्स, बाकी के प्रकार के फास्टनर्स के मुकाबले जो इनमें खर्चा जो आता है कम आता है। देयर यूज ऑफन रिजल्ट इन सेविंग इन रॉ मटेरियल, और इनसे रॉ मटेरियल की बचत भी हो जाती है कभी कभी, एंड सिंप्लीफाइंग मशीनरी ऑपरेशंस फॉर अदर पार्ट्स इन द असेंबली, और असेंबली में जो है जो मशीनिंग पार्ट्स किए जाते हैं और ऑपरेशंस किए जाते हैं मशीनिंग के, वो आसानी से हो जाते हैं। वन सर्कलिप ऑफन कैन रिप्लेस टू और मोर पार्ट्स, एक सर्कलिप दो या दो से अधिक पार्ट्स को रिप्लेस कर सकता है। असेंबली टूलिंग्स डेवलप्ड फॉर सर्कलिप्स यूजुअली परमिट वेरी रैपिड असेंबली ऑफ द फास्टनर्स इवन बाय द अनस्किल्ड वर्कर्स, और जब हम इसका सर्कलिप से यूज करते हैं तो उस टाइम पे जो असेंबली करते हैं उसको, तो उसकी असेंबली को एक अनस्किल्ड वर्कर भी, मींस लेमैन भी आसानी से उसको कर सकता है। मटेरियल की बात कई बार आ चुकी है, ये मटेरियल फिर से आ गया, ये क्वेश्चन कई बार एक नंबर में आया है कि सर्कलिप्स किस मटेरियल के बने होते हैं, 100% क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। सर्कलिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम स्प्रिंग स्टील, ये स्प्रिंग स्टील के बने होते हैं, तो आपको मटेरियल पूछेगा तो क्या लिखोगे आप? स्प्रिंग स्टील। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस मटेरियल के बने होते हैं सर्कलिप्स, तो आप जवाब क्या दोगे? स्प्रिंग स्टील। अब यदि प्रॉपर्टी की बात करता है उस स्टील की, कि स्टील की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? हाई टेंसाइल एंड यील्ड स्ट्रेंथ, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। तो इस मटेरियल का ध्यान रखना, इससे दो क्वेश्चन आ जाते हैं दो तरीके से, एक तो मटेरियल पूछ लेगा और एक इसकी प्रॉपर्टीज पूछ लेगा कि उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये आपके सर्कलिप्स के फिगर, बाकी के जब आपको थ्योरी के नोट्स दिए जाएंगे तो उसके अंदर आपको और क्लियर हो जाएगा फिगर्स। ये इंटरनल सर्कलिप्स है और ये आपका एक्सटर्नल सर्कलिप है। अब डेजिग्नेशन, जो इनको पहचानते हैं कैसे पहचानते हैं, किस रूप में भी बाजार से परचेज करना है, मालूम देखना है, बेचना है, क्या करना है, तो किस हिसाब से मिलते हैं? सर्किल फॉर शाफ्ट डाया नॉर्मल की बात कर रहे हूं, D1 = 50 mm एंड थिकनेस S = 2 mm, ये दे दिया। तो नॉर्मल टाइप शैल बी डेजिग्नेटेड एज, जो नॉर्मल टाइप को कैसे लिखेंगे इसको, सर्किल 50 × 2, 50 कहां था ये रहा और इंटू में 2, 50 × 2 n, नॉर्मल टाइप का था n, IS 3075 पार्ट फर्स्ट, 3057 हम कई बार से बता रहे हैं आपको इसका, ये देखिए, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। दूसरा फॉर हैवी ड्यूटी सर्कलिप्स 50 × 3H IS 3075 पार्ट फर्स्ट, सर्कलिप फॉर बोर नॉमिनल डायर D1 नॉर्मल टाइप सर्कलिप 50 × 2N IS 3075 पार्ट सेकंड, और फॉर हैवी ड्यूटी सर्कलिप 50 × 2.5H IS 3075 पार्ट सेकंड। तो दोस्तों इस तरह से इसके डेजिग्नेट किया जाता है, तो एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है इस तरह इस एक्सरसाइज में से, एक दो भी पूछ लेते हैं, तो इस पर जरा गौर फरमाइए, इसमें प्रैक्टिकल में कुछ नहीं आया, थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं इससे जो भी आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।